नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं आज मनुस्मृति दहन दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के चंपावत में एक घटना हुई, जहां एक स्कूल के बच्चों ने भोजन माता के खाने द्वारा बनाए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया, ये कह के कि ये दलित है और हम इसके बने हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और जब ये बात वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी मिस्टर पुरोहित तक पहुँची, उन्होंने जबकि ये पूरी प्रक्रिया इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हुआ था मिसेस सुनीता का इस पोस्ट पे, लेकिन चूंकि उन बच्चों ने उसके हाथ के बने खाने को खाने से इनकार कर दिया, तो मिस्टर पुरोहित ने उनको नौकरी से ही हटा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होने के नाते मैं आप सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो काबिल नहीं है, वो लोगों को न्याय नहीं दे सकते और पूरी राजनीति उनकी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। मतलब होना तो ये चाहिए था कि बच्चों को समझाया जाता, या अगर उनको फिर भी ट्रांसफ़र भी किया जा सकते थे, और उन्होंने उस महिला को नौकरी से ही निकाल दिया। पहली बात तो ये कि अगर इस तरीके से इस आधार पे कि वो महिला दलित थी जो खाना बनाती थी और वो बच्चे खाने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में जो बर्तन बनते बर्तन बनाने का काम कौन करता है? देश में जो कपड़े बनते कपड़े बुनने का काम कौन करता है? देश में जो मकान बनते मकान निर्माण का काम कौन करता है? मंदिरों के अंदर जो भगवान की मूर्ति लगती है उस मूर्ति को बनाने का काम कौन करता है? अगर केवल इस आधार पे, चूंकि एक दलित महिला ने बनाया है और इस आधार पे खाने को इनकार कर दिया जाए, तो क्या इस सोच वाले लोग अपने घरों में रह पाएंगे? क्या वो जूते पहन पाएंगे? जूते भी तो हमारे समाज के लोग बनाते हैं, खेत के अंदर मेहनत करके अन्न उगाने का काम भी हमारे लोग करते हैं, सड़क निर्माण का काम भी हमारे लोग करते हैं, भवन निर्माण का काम भी हमारे लोग करते हैं। तो अगर इस आधार पर देखें तो क्या क्या छोड़ेंगे? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि देश ऐसे नहीं चलता। देश, ये भारत विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। हर 50 किलोमीटर पे यहाँ भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो भारत को एकजुट रखना है तो भारत में आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। ये नफरत बढ़ाने वाले लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, ना कि इनकरेज करना चाहिए। चंपावत में सुनीता को नौकरी से हटाना एक तरीके से भेदभाव करने वाले, जाति पर आधारित उत्पीड़न करने वाले लोगों को बढ़ावा देने वाली एक ये बात है। इसके लिए धामी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको तुरंत इस पर संज्ञान लेकर सुनीता के को न्याय देना चाहिए था। लेकिन मैं दिल्ली का महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते सुनीता को मैं ये ऑफर देता हूँ कि वो दिल्ली आए, हम उनको भोजन बनाने की का काम, वो नौकरी हम दिल्ली की सरकार उनको देगी। और आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये कब की घटना है सर? कोई एग्जैक्ट टाइम, महीना? ये विदिन वीक की घटना है, अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ। उस पर जैसे ही बच्चों ने मना किया उस पर जांच बिठा दी गई और जांच बिठा के उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया। जी, बल्कि एक और प्रतिक्रिया हुई है, एक स्कूल में दलित बच्चों ने भी ये कह दिया कि अगर वो दलित माता का भोजन माता का बना खाना नहीं खा सकते, तो हम भी इनके बने हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम भी अपने घर से टिफ़िन बना के लाएंगे। तो इस तरह की, अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो समाज में एकजुटता कैसे आएगी? समाज में अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत बढ़ेगी तो भारत मजबूत कैसे होगा? इस पर तो सभी पार्टियों को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। इससे भारत मजबूत नहीं हो सकता, इससे तो भारत विभाजित हो जाएगा। अगर हमें देश से प्यार है तो देश को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, तो हमें आपस में जाति धर्म के आधार पे बांटने वाले लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। आप उन्हें नौकरी का ऑफर दे रहे हैं इसी पोस्ट के लिए, खाना बनाने? जी, खाना बनाने की उसी नौकरी को हम दिल्ली के अंदर उन्हें देने के लिए तैयार हैं, अगर वो दिल्ली आकर नौकरी करना चाहें। क्योंकि धामी जी इस काबिल नहीं है, उनके अंदर वो गट्स नहीं है कि वो सुनीता को वहाँ न्याय दे सकें। ये तथ्य पूरे नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया थी चयन की, पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हुआ, उसमें और भी इस तरह के लोग जिनका सिलेक्शन हुआ, जिसमें सुनीता का भी सिलेक्शन हुआ।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये मनुस्मृति को आज ही के दिन 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसीलिए जलाया था क्योंकि इसमें जाति के आधार पर लोगों को अधिकार तय किए गए, पढ़ने का किस जाति को अधिकार है, व्यापार का किस जाति को अधिकार है, राजकाज का किस जाति को अधिकार है और किसको कोई अधिकार नहीं है, केवल सेवा ही करना है। तो इसीलिए जो जाति के आधार पे, महिला होने के आधार पे किसी के साथ उत्पीड़न करने को जायज ठहराती हो तो ऐसी पुस्तक को स्वीकार करना ठीक नहीं है। इसीलिए 1927 में 25 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति दहन किया था। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि देश को मजबूत रखने के लिए आपस में तालमेल बनाना, वो जाति कुदरत ने नहीं बनाई है, पूरी दुनिया में जातियाँ नहीं हैं, जाति केवल भारत में, और जाति जब तक रहेगी जब तक भारत विकास के दौड़ में दूसरे देशों की तुलना में आगे नहीं निकल सकता। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं लेकिन विश्वगुरु इस तरह जाति धर्म के नाम पे बांटकर समाज को थोड़ा आगे विश्वगुरु बन पाएंगे। विश्वगुरु तो जिस तरह बुद्ध के समय था, पूरा भारत बौद्धमय था, सबको समान रूप से, महिलाओं को भी बुद्ध के संग में जाने की इजाज़त थी, तो जातिगत आधार पर नहीं था। तो उसी व्यवस्था से भारत को मजबूत किया जा सकता है जहाँ सबको साथ लेके, सबके लिए समान अवसर सबको दिए जाएँ, सब लोग साथ मिलके चले, तब भारत मजबूत होगा। कोई और सवाल कोई करना चाहे तो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।